श्रीगिरि किशोर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल को प्रेस करिए मेरे सारे राइडिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल श्रीगिरि किशोर। आज हम लाचन जा रहे हैं, बाइक पे सारे चीज हमने माउंट कर लिया था, जगन सर भी माउंट कर रहे हैं, बाकी जो दो लोग हैं उनका परमिट में प्रॉब्लम आई थी तो इसलिए वो लोग वहाँ परमिट के लिए गया है, वो अभी रिटर्न में है, आ रहे हैं वापस। तो जैसे वो लोग आएंगे यहाँ से हम निकलना शुरू करेंगे। तो लाचन यहाँ से 120 किलोमीटर है, गूगल मैप्स में 5.5 घंटे का दिखा रहे हैं, चलिए देखते हैं जो भी होगा। गैंगटक से ऑलरेडी 20 किलोमीटर आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ वुडन ब्रिज दिख गया था इसलिए मैं रुक गया हूँ। ये बहुत पुराना ब्रिज जैसा लग रहा है, देख सकते हो बगल से कार जा रही है, पूरा वुडन से बना हुआ है, थोड़ा सा केयरफुली जाना होगा। वो झंडा देखो कैसे उड़ रहा है, यहाँ का नज़ारा देखिए बहुत शानदार लग रहा है। आपको मैं थोड़ा सा बाइक को साइड करके दिखा देता हूँ यहाँ का नज़ारा। वाटरफॉल है, छोटा सा ही है, ज़्यादा पानी नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत खतरनाक ब्रिज जैसा लग रहा है, पुराना हो गया, धीरे धीरे चलना होगा। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, नॉर्थ सिक्किम, वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम। यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन कर लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए, वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम। हम आए थे इधर से, तो एक बार मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आगे जाके यहाँ का नज़ारा। इतना दूर आ गया तो यहाँ का नज़ारा बिना एंजॉय करके हम कैसे जा सकते हैं, ये तो एंजॉय तो करना ही पड़ेगा। ये झंडा देख के मुझे बहुत पॉजिटिव फील आती है। ये है वाटरफॉल, ये देखिए ये पहाड़, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ही बचा है, राइट साइड में बड़ा पहाड़ है, थोड़ा सा छोटी ही बचा है। ये वाला जो कर्व है ना, ऐसा वाला कर्व मुझे बहुत पसंद आती है, पहाड़ के साइड में से जाना। भाई साहब सामने का नज़ारा देखो कितना शानदार है। अभी तक हमने स्नो वाले माउंटेन्स देखे थे, अभी हम ग्रीनरी वाला माउंटेन्स देख रहे हैं। वाह अलग अलग नज़ारा है यहाँ सिक्किम। ये देखो यहाँ पे रफ पैच आ गया, रोड थोड़ा सा मिक्सड आ रहा है, बीच बीच में रास्ता थोड़ा सा खराब मिल रहा है, फिर यहाँ से अच्छा है। यहाँ पे तो हमेशा रोड बनता ही रहता है। देखो यहाँ साइड में क्रेन्स आपको दिख रहा है, प्रोक्लेनर। यहाँ से दो रास्ता जा रहे हैं, ऊपर की तरफ एक रास्ता, नीचे की तरफ एक रास्ता। चलो हम इधर से ही चलते हैं, क्योंकि ऊपर तो वो मकान है ना, उसके लिए रास्ता होगा। क्योंकि यहाँ पे छोटा सा गांव जैसा कुछ आ गया है, बीच बीच में ऐसा गांव आ रही है। ये देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर का झंडा देखिए कितने सारे हैं, बहुत सारे लगा हुआ है इधर व्हाइट कलर का झंडा। यहाँ पे एक ब्रिज आ गया, लगता है नया ब्रिज है। राइट साइड में तो मुझे एक आयरन ब्रिज भी दिख रहा है, शायद वो पुराना होगा, ये नया नया बना होगा। वहाँ आगे कृष्णा रेड्डी और गोपी रुके हैं, हम भी रुके यहाँ का नज़ारा इंजॉय करते हैं। वाओ क्या नज़ारा है, पानी देखो ब्लूइश ग्रीन कलर में है। रोड के उस तरफ भी जाके देखते हैं, क्या सीन है, क्या सीन है, बढ़िया बढ़िया। चलिए फिर यहाँ से निकलते हैं। एक्चुअली एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई थी, फिर से जगन सर कहीं घूम गए हैं। अभी हमने कॉल किया था, कृष्णा रेड्डी ने अभी कॉल किया था, पूछा था कहाँ पर हैं, तो एक्चुअली कुछ अलग रास्ते से वो आ रहे हैं। हमने उनको बताया था मंगन करके एक जगह, यहाँ से 20-30 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो वहाँ जाके हम मिलेंगे। चलो फिर निकलते हैं। ये देखो ये करू देखिए, वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद वहाँ पे नदी जो है वह राइट साइड लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में पहाड़ था, अभी देखिए लेफ्ट साइड में पहाड़ है, राइट साइड में नदी है, छोटा सा गांव जैसा आ गया इधर भी। यहाँ पे देखो छोटा सा वाटरफॉल है। जनरली मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया था यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ जहाँ ऐसा छोटा सा पानी रहता है वहाँ पे गाड़ी वाड़ी साफ कर रहे थे लोग। ये क्या है, अच्छा यहाँ से पीने वाला पानी आ रहा है, वो मंदिर जैसा बनाया। हम आए थे उधर से, वो वाला ब्रिज आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली यहाँ पेड़ पौधे हैं इसलिए अच्छे से नहीं नजर आ रहे हैं, आगे जाके देखते हैं। अगर ब्रिज अच्छे से दिख रहा है तो दिखाऊंगा आपको। ये नज़ारा देखिए क्या लग रहा है, ग्रीन ग्रीन पहाड़। ये देखिए
झंडा ही झंडा है व्हाइट कलर का। यहाँ पे नज़ारा कुछ अच्छा लग रहा है। कृष्णा रेड्डी रुक गया, मैं भी रुक गया हूँ, गोपी पीछे हैं। ये देखिए दोनों पहाड़ के बीच में से रास्ता बना हुआ है। ये रास्ता जो है थोड़ा सा मिक्सड जैसा लग रहा है, कभी कभी बीच बीच में रास्ता खराब हो रहा है, कभी अच्छा रास्ता मिल रहा है, मगर फुल ग्रीनरी वाला रोड है। लेफ्ट साइड राइट साइड फुल टू फुल ग्रीनरी दिख रहा है। ये देखिए रास्ता नीचे की तरफ जा रही है, मगर उस तरफ हमको नहीं जाना है, हमको सीधा सीधा जाना है। ये देखो बकरी कितना छोटी सी है बड़ा मगर छोटी सी जैसा लग रहा है। देखो कृष्णा रेड्डी ये क्या है भाई साहब, देखो रास्ते में बीच में आ गया। यहाँ देखिए रास्ता बन रहा है या रास्ता खराब है या लैंडस्लाइड हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूरा मिट्टी पत्थर सब मिला हुआ है इसमें। ऊपर वाले भी एक रास्ता है, मगर ऊपर वाले रास्ते से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा है। नीचे वाला रास्ता थोड़ा सा डरावनी है क्योंकि आप साइड में देख सकते हो, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। थोड़ा सा अभी इधर उधर हो गया तो फिर नीचे चला जाएगा। यहाँ पे तो लगता है लैंडस्लाइड एरिया लगता है। हाँ आगे लोग भी काम कर रहे हैं हमारे लिए, पत्थर वत्थर तोड़ रहे हैं। इन लोगों को तो थैंक्स तो बोलना ही पड़ेगा, हैट्स ऑफ है इन लोगों को, हमारे लिए रास्ता वास्ता बना रहे हैं। ये मंगन हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे ये लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। जब भी आप लाचेन की तरफ जाते हो हमेशा ध्यान रखना, ये मंगन करके जगह है, यही पे लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके आगे कोई पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा। अगर वहां जाना है तो यही से आपको पेट्रोल भरवा के जाना पड़ेगा क्योंकि यही लास्ट पेट्रोल पंप है। लाचेन और लाचुंग में आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, मगर ब्लैक में मिल सकता है। यहाँ पे अभी हम लंच करने के लिए रुके हैं, लगभग टाइम 3 बज रहा है। जगन सर भी पहुंच गए हैं, यहाँ पे मिले थे हमको जगन सर, तो हम चारों मिल गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लंच करके निकलते हैं। एक्चुअली मैं सेफ्टी पर्पस के लिए एक कैन भरवा रहा हूँ, कैन यहीं से खरीदा था, यही पे शॉप है, यहाँ पे कैन बेच रहे हैं 60-70 रुपीस के आसपास है। यहाँ पे पेट्रोल भरवाऊंगा 5 लीटर सेफ्टी पर्पस के लिए। अभी मेरे बाइक में तो पेट्रोल तो है, फिर भी सेफ्टी के लिए तो रखना पड़ेगा। फाइनली लाचेन पहुंच चुके हम, अभी टाइम 8:50 हो रहा है। अभी यहाँ का टेम्परेचर मैं दिखाता हूँ, 6 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहे हैं लाचेन का टेम्परेचर। एक्चुअली मंगन के बाद मैंने इसलिए एक्शन कैम ऑन नहीं किया था क्योंकि वहां पुलिस मुझे रोक दिया था, एक्शन कैम अंदर रखने के लिए कहा था, इसलिए मैंने अंदर रख दिया हूं, वहां से शूटिंग नहीं किया था मंगन के बाद। यहां पे एक्शन कैम यूज नहीं करना है, तो कल हम गुरुदंग मोर लेक जा रहे हैं, तो एक्शन कैम यहां पे ऑन नहीं करूंगा, मैक्सिमम मैं मोबाइल से शूटिंग करूंगा क्योंकि कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। यहां का देखिए पूरा ये जो होम स्टे है वुडन से बना हुआ है, आप देख सकते हो पूरा वुडन से बना हुआ है। चलिए फिर आज यहीं पे व्लॉग क्लोज कर देते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद।